हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सेकिट टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। देखिए, अगर उनकी मैरिज हो चुकी है तो और वो मैरिड है किसी और के साथ और अब भी आप उनका वेट कर रहे हो तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पर्सन आपके लिए बने होते और आपके लिए होते तो डेफिनेटली वो आपके पास होते। ठीक है, तो किसी और की फैमिली अगर बन चुकी है तो उस फैमिली को बने रहने दो और आप मूव ऑन कर जाओ। मे बी शायद गॉड ने आपके लिए कुछ ना कुछ नया सोच रखा हो, कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो अगर वो भी आता है यहाँ पर निकल के तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी और के साथ डील कर रहे हैं और आपके साथ भी डील कर रहे थे, और या फिर किसी और के साथ उनका रिश्ता तय हो चुका है और आप वेट कर रहे हो कि वो रिश्ता ना अपनाए और आपके पास वापस आए, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप देख सकते हो और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, सो इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। और जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला है प्लीज़ आप उस चीज़ पर एक बार ध्यान ज़रूर करना। बाकी आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ, ये तो बहुत ही ज़रूरी है करना। ओके, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ओके, द हर्मिट। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, सही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये तीन कार्ड है, हमें दो की जरूरत है तो मैं इन्हें नहीं लूंगा, तीन नहीं। थ्री ऑफ कप्स। ओके, एंड डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल। सो मैं कार्ड्स ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सारे दिखें। एंड स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, लियो, एंड वीर्गो, वी हैव स्पेशल टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड स्कॉर्पियो वी हैव स्पेशल, एंड कैप्रिकॉर्न वी हैव स्पेशल। तो ये कुछ साइंस हैं यहाँ पर जो स्पेशल हैं, और बाकी अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली गाइस, जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है अगर मैं पहले उनकी बात करूँ, और अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो आपको वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ही रिवर्स में आ गया है। ये पर्सन कभी नहीं आने वाले आपकी लाइफ में, मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता आएंगे या नहीं, बट यहाँ पर पूरी पूरी श्योरिटी है कि जल्द से जल्द तो बिल्कुल नहीं आने वाले। आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, तो आप अपना टाइम वहाँ मैनिफेस्ट ना करके ना अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने में मैनिफेस्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए, अगर आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो और वो पर्सन वहाँ पर किसी और पर्सन के साथ शादी कर चुका है, कर चुकी है, और उनके बच्चे भी हैं, तो आप को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको उस जगह से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज वो पर्सन अब अपनी लाइफ में एक तरफ सेटल है और एक हैप्पी लाइफ जी रहा है शायद, और हैप्पी ना भी जी रहा हो, बट मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग, भगवान को सब कुछ पता है, और गॉड को ये भी पता है कि अगर आपका दिल टूटा है या फिर आपके प्लान्स बेकार हुए हैं, तो आपके प्लान की वजह से अगर कभी आप आगे टूट जाते तो इसलिए गॉड ने वो प्लान ही तोड़ दिया आपका।
क्योंकि देखिए ये इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत बातें छुपाई हुई है इस पर्सन ने आज भी आपसे, और अगर अगर आगे चल के आपका इनका कनेक्शन बनता भी है और अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट भी होती हैं तो भी ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाएंगे। क्लियर है यहाँ पे ये चीज़? क्योंकि देखिए ये इंसान आपको अकेला छोड़कर गया आपके पास से। मे बी ये हो सकता है कि इस इंसान ने पैसे को ज़्यादा अहमियत दी, इनका कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो गया और उन्होंने वहाँ शादी कर ली बिकॉज ऑफ मनी। ये भी हो सकता है एक रीज़न यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है आज भी और कन्फ्यूजन में है, तो ये कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। क्योंकि देखिए सेवन ऑफ वैंड्स जो कार्ड है वो रिवर्स में आया, ये लड़ेंगे नहीं आपके लिए, कभी आपके लिए एक्शन लेंगे ही नहीं, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में किसी ऐसे पर्सन का वेट करके जो कभी आपका मतलब हुआ, मतलब वादे किए होंगे कि रहूँ और आगे हम साथ रहेंगे या फिर आगे हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बट अगर ऐसा होता तो आज वो पर्सन आपके साथ होता। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ मूव ऑन कर लो, पर जो आपके इंट्यूशंस कहें आप वो करो, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना तो वो तो मैं दूंगा आपको, ठीक है। एंड द डेविल कार्ड जो यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, तो मुझको लगता है कि ये पार्टनर आपके कार्मिक पार्टनर थे, इनका आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था पर इनका आपकी लाइफ से जाना भी बहुत ज़रूरी था। एंड अगर मैं बात करूँ उनकी जो सिंगल हैं पर पर्सन कहीं और डील कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ हैं और थर्ड पार्टी का कार्ड भी है थ्री ऑफ कप्स, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी खुद ही मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन मे बी आपके रिलेशनशिप को अभी शायद थोड़ा समझ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा पीछे हट रहे हैं बार बार, बट इस पर्सन को खुद को क्लैरिटी नहीं है कि इसे क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या सिचुएशन चल रही है लाइफ में, क्या है लाइफ पर्पस, इन सब चीज़ों से ये पर्सन थोड़ा सा अभी, मतलब मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन थोड़ा सा क्लैरिटी में नहीं है। मतलब इनको ज़रूरत है कि ये अपने लिए थोड़ा सा एक्शन लें या फिर अपने लिए थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें, सरेंडर कर दे गॉड पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब पावर रखते हैं अपनी, डोमिनेंट है बहुत ज़्यादा और आपके आपसे अपनी बहुत बातें मनवा भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको भी अब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है और आपको अपने पर्सन से क्लैरिटी लेनी होगी कि आप आओगे वापस या नहीं आओगे। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट तो करते हैं बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग आपका है, तो मेरे को लगता है इसीलिए इनकी लाइफ में डिले आते हैं या आपकी लाइफ में डिले आते हैं। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर डिले इसलिए ही आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अभी इतने अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, उतना उनका सरेंडर है ही नहीं गॉड में जितना आपका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गॉड यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि यस आपको पहले तो रिपीटेटिव टास्क मींस आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा अपनी हीलिंग के लिए। अगर आप अपनी हीलिंग करते हो अच्छे से तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और हार्ड वर्किंग है ये पर्सन और ये पर्सन आपके लिए हार्ड वर्क कर भी रहे हैं बट कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में डिले है, कहीं ना कहीं गॉड डिले है आपकी लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी रिवर्स में है तो गॉड डिले की वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं है। ओके, एंड जो थ्री ऑफ कप्स हमारा कार्ड है वो थर्ड पार्टी क्लियरली दिखा रहा है कि यस थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पर्सन बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट जल्दी ख़त्म हो जाएगी थर्ड पार्टी भी। आगे डेथ कार्ड है, ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म होगी, बट यस मैनिफेस्टेशन तो आपको करना होगा अच्छे से ताकि आप आगे चल के हर एक चीज़ की क्लैरिटी रख सको अपने दिमाग में और हर एक चीज़ के लिए मतलब आप रेडी रहो, आपको रेडी रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो रेडी रहना है और चीज़ों को ज़्यादा रश नहीं करना है। चलिए देखते हैं साइकिक से क्या आता है। वाओ, एस ऑफ कप्स, तो यस लव बिगिंस, आपके बीच में प्यार शुरू हो सकता है। सिंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। और अगर अब भी अगर मैं बोलना चाहूँगा कि मैरिड जो लोग हैं, मतलब जिनके पर्सन की शादी हो गई और वो अब भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो डिसेप्शन और एनवी के अलावा और कुछ नहीं है, धोखा और जेलेसी के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए आप
किसी ऐसे इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको आप ये जिसके थ्रू आप जिससे आप ये कराना चाहते हो कि वो दूसरे इंसान को धोखा देके आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन एंड एनवी आया ना। प्यार तो आप दोनों के बीच में हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, प्यार चल आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से खुश होंगे कि आपकी वजह से किसी और की फैमिली बर्बाद हो गई और देन ये पर्सन आपके पास आया, तो मतलब थोड़ा क्योटिक हो जाएगा। कहने का मतलब बस मेरा ये है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर आप भी ना इनर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओगे कि ये मैंने क्या कर दिया है, फिर ये मेरी वजह से क्या हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपको बस एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपकी पर्सन भी एक पॉजिटिव थॉट को लेकर आगे बढ़ ही रहे हैं। वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो आगे चल के यस आप लोगों के आप लोग बहुत कुछ अचीव करोगे एक दूसरे के साथ मिलके, बहुत ही खूबसूरत जाएगा आपका टाइम। एंड थर्ड आई चाक्रा आया यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप दोनों सिचुएशंस वालों को ही अपना थर्ड आई चाक्रा ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका थर्ड आई चाक्रा ओपन होगा आपको विजडम आपकी विजडम खुलेगी, आपकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आप कर पाओगे और इवन बहुत ही आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे और अपने जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन्हें भी खत्म कर पाओगे। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप अपना थर्ड आई चक्र ओपन करो, आप मेडिटेशन करो एंड अपने मिडल आईब्रो के मिड में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो ताकि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाए। ओके, चलिए मैं देख देता हूँ आपके लिए और गाइडेंस क्या है, फिर एंजल से ही बात करेंगे, एंजल से आंसर लेंगे आपके लिए। दो कार्ड आए, वाओ, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, ऑल टाइड अप एंड द थिंकिंग मैन। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, द टेंपल पाथ एंड द कम्युनिटी। ओके, सो गाइस मुझे लगता है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल आप दोनों ही सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में जो भी मैं बता रहा हूँ उन दोनों सिचुएशन के लिए ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि माइकल जो है बता रहे हैं कि यस आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने बेस चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपना मनी और खोलने की ज़रूरत है और ऑल टाइड अप की सिचुएशन चल रही है आप सबके बीच में, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वो सब भगवान करवा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, एक टेंपल पाथ पर आप चलो, एक पवित्र रास्ते पर आप चलो, अपना देखते देखते भी दूसरों के बारे में भी सोच के चलो, तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी भी आपको सपोर्ट करेगी, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह पर आप रहते हैं वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे हर एक चीज़ से हील होने में। तो यस डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि यस उनके पर्सन आ जाएंगे थर्ड पार्टी को छोड़ के, बट टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया तो मैं तो कोई टाइम बता ही नहीं सकता और नंबर 10 कार्ड होता है वो, तो अब मैं 10 डेज बोल सकता हूँ, 10 वीक्स बोल सकता हूँ, 10 मंथ्स बोल सकता हूँ, तो ये तो देखिए डिपेंड करता है व्हील ऑफ फॉर्चून पर कि जब तक व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं घूमता है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये है कि मैं एंजल आंसर्स के थ्रू देख के बता दूंगा कि क्या आता है निकल के, एंजल्स जो बोलेंगे वही, टाइमिंग मान लेना। रिकवरी, वाओ, पहला ही कार्ड आया रिकवरी, यस कनेक्शन की रिकवरी है, कनेक्शन रिकवर हो जाएगा, यस हो जाएगा, ओके अच्छी बात है। पहला ही कार्ड, दूसरा कार्ड आ गया है, नॉट द राइट टाइम, अभी तो राइट टाइम नहीं है, चूज न्यू डायरेक्शन, एक नए तरीके से वर्क करना शुरू करो, एक नया रास्ता चुनो, एक टेंपल पाथ चुनो ताकि आप अपने लिए वर्क कर सको एंड टेक एक्शन, एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है आपको अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए। टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी हो सकते हैं, फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए एंड फ्यू डेज भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है वीक्स की, तो होपफुली आपका 10 वीक्स के अंदर अंदर कनेक्शन बन जाए अपने पर्सन से। सो गाइज ये आपकी आज की रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।